हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस बाय डेल टाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम, यानी सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिजॉल्व सॉलिड्स एंड डिजॉल्व आयंस। आयंस में भी कैटायन और एनायन, यानी अनडिजॉल्व सॉलिड और डिजॉल्व आयंस के बीच में जो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा, एग्जिस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम। एंड दिस प्रोसेस सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म। ओके, तो एग्जाम्पल लेके हम इसमें करेंगे, जैसे कि AgCl आर डिसोसिएट एच Ag+ एंड Cl-। उस टाइम में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ये क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस प्रकार से तो ये दीजिए फार्मूला। फिर हमने फिर ये वाला जो AgCl ये क्या है, अनडिजॉल्व रहता है, अनडिजॉल्व रहता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट रहेगा, जो है पहले वही कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जैसे ठीक है K-, फिर ये K- है, K- सारे में देखिए K·K- इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl आयंस। ओके, बट नाउ K·K- दिस इज अनदर कॉन्स्टेंट, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, means this product also again constant, this is another constant, therefore at this another constants is called as solubility product, this is called as solubility product KSP, this constant is called as solubility product। इस प्रकार से solubility product मतलब क्या है, concentration product of concentration of different saturated solution, यानी क्या है, एक प्रकार product of this concentration molar concentration कॉन्सेंट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड अ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जनरल फॉर्म में अगर देखेंगे आप, इस प्रकार से हम रिएक्शन बना सकते हैं, BxAy गिव द साल्ट, दिस साल्ट, तो यहाँ पे भी आयंस फॉर्म होंगे B+ एंड द A-। अभी B+ आयंस कितने फॉर्म होंगे, तो इस ए वाला जो कोएफिशिएंट ए वाला बताएगा आयंस, और ये सामने वाला जो है उसका कोएफिशिएंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस और चार्जेस बताएंगे, ये और इस प्रकार से इसका वाला पैटर्न रहता अकॉर्डिंग विद योर बैलेंसीज। ओके, तो नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो लाइक दिस, वाई ये वाला जो कोएफिशिएंट सामने और नंबर ऑफ आयंस चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस बताएंगे उनका, ये वाला नंबर एक्स। इस प्रकार से ये रिएक्शन है रहती है, दैट इज बाय बैलेंसीज, बाय द रूल ऑफ बैलेंसीज। इस प्रकार से करना याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से KSP सॉलिड प्रोडक्ट जो है, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टू आयंस दिस है, दिस पुटिंग करेंगे तो इसका जो ये जो है सामने वाला जो कोएफिशिएंट वो रहता पावर में ज़्यादा, इस प्रकार से पावर में आएगा। इस प्रकार सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की डिफिनेशन इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जनरल कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस रेस्ट टू पावर्स बाय देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसके पावर जो है वो क्या रहेंगे उसे कोएफिशिएंट्स। इस प्रकार से फार्मूला KSP का यानी कि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे लाए। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस प्रकार से कोई एग्जांपल हम देखिए KSP का जो है आयन प्रोडक्ट कौन सा आता है वो हम बता सकते हैं। एग्जांपल KSP अपने इसको, ठीक है, बेरियम सल्फेट तो फॉर्म बी आयंस एंड SO4, दिस टू होल ग्रुप बोल दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम पता है B1, 2, 4, तो इस पर बैलेंस बैलेंस के हिसाब से सल्फेट ऑफ अभी टू चार्ज KSP इक्वल टू दिस इंटू दिस इजीली। देन CaF2 इसमें कैल्शियम आयन 2 और फ्लोरिन जो है, अभी इसमें 2 डिफरेंट है, ये वाला आयन जो फ्लोरिन को 1 रहेगा, इसमें 1 है और दिस इज 2, ठीक है, इस प्रकार से फिर KSP इक्वल टू दिस एंड दिस। अब यहाँ पे कोई पेशेंट 2 है तो पावर में जाएंगे। ओके, फिर Bi2S3 इसमें भी इस प्रकार से, ठीक है, ये जो सामने आएगा अब और चार्जेस कितने रहेंगे, दिस चार्जेस इसके लिए ये सामने रहेगा और ये चार्जेस में रहेंगे और इस, ठीक है, इस प्रकार से इसका वाला Bi2+2 एंड दिस 3 इस प्रकार से। ओके, H2-, देन कैल्शियम फॉस्फेट इसका भी इस प्रकार से एंड दिस KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CA2+ पावर कितना रहेंगे इसके वाला 3। ओके,
Okay. Then next is relation between KSP and S. S is solubility, and this is solubility product. That is relation between solubility product and the solubility. So solubility क्या होता है? The compound in gram, dissolve per unit value to form Chalcho solution. ठीक है? The compound in gram, that is per unit value, ठीक है? And dissolve to form Chalcho solution. Or mole of solubility, number of moles of compound dissolve. ठीक, number of moles of compound dissolve to form 1 liter saturated solution. यहाँ पे वॉल्यूम कितने भी रह सकता है? यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर रहेगा. सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कितना रहेगा? 1 लीटर ओनली. इस प्रकार से ओके मोल ऑफ सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिजॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग द केएसपी दैट इज सॉल्युबल प्रोडक्ट. तो एक अगेन वो रिएक्शन लेंगे हम जो जनरल रिएक्शन. तो उस आर्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन डिजॉल्व तो रिएक्शन ये बनेंगे और ये वाला फार्मूला आई में जो हमने पहले यहाँ पे निकाला है. तो दिस इज इक्वेशन 1. देन लेट एस इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. एस क्या सॉल्युबिलिटी है? तो सॉल्युबिलिटी है तो फिर इसका वैल्यू कितना रहेगा? एक्स इंटू एस मोल पर लीटर. ठीक है, ये जो पावर है एक्स याद रखना पड़ेगा एक्स इंटू एस और ये क्या रहेगा? वाई इंटू एस. ठीक है, अब ये वाले जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बी आयन एंड ए आयन. तो एस एक्स इंटू एस एंड वाई इंटू एस याद रखना पड़ेगा. फिर ये जो है यहाँ पे पुट करेंगे हम. तो इस प्रकार से रहेगा के एस की इक्वेशन 1 बिकम दिस लाइक दिस. ओके तो एक्स रेस टू एक्स एस रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू वाई. फिर एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू एक्स हमने निकाला वाई रेस टू वाई सामने निकाला और एक्स रेस टू एक्स प्लस वाई रहेगा पावर की एडिशन. तो ये हो गया अपना के एस पी का नया इक्वेशन. जो कैलकुलेशन हर एक इसका बना सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में या कोएफिशिएंट के फॉर्म में और सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी. तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे फॉर AgBr की डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा डिजॉल्व करने के बाद. तो इसमें देखो इसमें कोएफिशिएंट है ना सामने, ये वाला एक्स कोएफिशिएंट ये वाई, इसमें दोनों वन वन है. तो फिर ये फार्मूला में हम एक्स और वाई की हम पुट करेंगे. ये वन वन वाई रेस टू वन वन रेस टू वन एस प्लस दिस वन. ओके वन रेस टू वन इन वन रेस टू वन वन एस रेस टू टू एस स्क्वायर. तो के एस पी कितना आएगा? एस स्क्वायर और ए जी वी आर. पी बी आई टू के लिए डिजोलेशन ऐसा होगा. ठीक है, तो इसका वाला जो कोई पिछले सामने आएंगे ये वाला इस प्रकार से ये वाला जो है यहाँ पे आएगा आई टू. ठीक है, और पी बी को चार्जेस जो है पी बी को आएंगे इस प्रकार से. तो ये वाला हो गया. बाद में यहाँ पे सामने कोई पेशेंट जो है वही एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2. तो फिर अगेन पुट करेंगे हम यहाँ पे इसका पुट किया एस दिस वन देन वन रेस टू वन वन टू रेस टू स्क्वायर 4 एस 1 प्लस 2 3. ओके देन ए जी ओ एच बाय 3 इसका भी इस प्रकार से. ठीक है, ओ एच एक ग्रुप है ओ एच माइनस एक्स 1 वाई 3 अगेन पुटिंग वैल्यू कैलकुलेट 1 रेस टू 1 3 रेस टू 3 एस रेस टू 1 प्लस 3 3 रेस टू 3 27 एस रेस टू 4. ओके तो इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोई भी अमाउंट कोई भी कंपाउंड के लिए हम निकाल सकते हैं. उसका फार्मूला अगर रहेगा तो हम निकाल सकते हैं. ओके तो ये हो गया अपना सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. तो नेक्स्ट इसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो टिल देन ओके गुड बाय.